का हमारा मॉनिटर एंड इसका जो डिस्प्ले का साइज है, यहाँ पर आपको 22 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है एंड रेजोल्यूशन है फुल HD है, मतलब 1080p एंड यहाँ पर आपको VGA सपोर्ट मिलता है, HDMI सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको एक इनबिल्ट स्पीकर मिल जाता है एंड इसका जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो 250 है निट्स है एंड इसका जो रिस्पांस टाइप है वो 4 मिलीसेकंड्स है एंड इसका जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों वो 75 हर्ट्स है एंड HDMI पोर्ट की बात कर तो इसमें एक HDMI पोर्ट मिलता है एंड वारंटी की बात कर दोस्तों 3 साल का इसमें आपको Acer का वारंटी देखने को मिल जाता है। वो फ्रिकर फ्ली डिस्प्ले, मतलब फ्रिकर फ्ली डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? सो वेल गाइस, अगर मान लो कि इन लॉन्ग टाइम इसमें आप स्ट्रीम करते हो या आप कुछ ऐसे अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, तो बहुत सारे मॉनिटर ऐसे रहते हैं कि यार हमारे आँख में पेन होने लगते हैं या जलन होने लगता है, तो इस मॉनिटर में आपको ऐसा कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। बॉक्स ओपन करोगे आपको एक मैनुअल गाइड मिलेगा, मतलब कैसे मॉनिटर चलाना है, क्या कैसे करना है वो। आपको स्टैंड मिल जाता है, यहाँ पर आपको पावर कोड मिल जाता है, यहाँ पर आपको HDMI केबल मिलता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक VGA केबल मिल जाता है। अगर आप VGA केबल यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, वरना अभी तक तो ऑलमोस्ट सभी HDMI केबल ही यूज़ कर रहे हैं। स्क्रीन की बात करें तो पूरा फ्लैट है, मतलब काफ़ी पतला है यार, मतलब मॉनिटर बोला जाए तो सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा यार, व्हाइट मॉनिटर है एंड व्हाइट के साथ बहुत ही प्यारा मॉनिटर है यार, कसम से बताऊं तो आप जब इसे लोगे तो आपको बहुत ही लाइट वेट लगेगा एंड काफ़ी पतला है यार। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक HDMI पोर्ट, एक VGA केबल और साथ ही साथ आपको 3.5mm का जैक मिलता है, पावर कोड मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको नीचे दो स्पीकर्स मिल जाते हैं, एक इस कॉर्नर पे है एंड एक इस कॉर्नर पे है। तो यहाँ पर मैं म्यूजिक भी सुना के दिखा दे रहा हूँ कि इसका जो साउंड है वो, अगर आप एक अकेले रूम में बैठ के अगर कुछ मूवी वूवी देख रहे हो तो आप आराम से यार विजुअल हो, मतलब 2-3 आदमी सुन सकते हैं। तो जैसे कि आप इसका साउंड देख सकते हो, दो साउंड स्पीकर्स हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अगर आप इस रेंज में अगर आप देखने जाओगे स्पीकर वाले मॉनिटर्स को तो यार बहुत ही हाई प्राइस के रहते हैं। तो वेल गाइस, इस मामले में भी मॉनिटर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको कुछ बटन देखने को मिलते हैं, ये आपका पावर बटन है। सो वेल गाइस, बात करें मॉनिटर की थिकनेस की तो भाई मॉनिटर काफ़ी पतला है, मतलब अप्रॉक्स हाफ से भी कम है यार मेरे इस फिंगर से मैं ले लेता हूँ तो इतना है हमारा मॉनिटर का जो थिकनेस है, तो काफ़ी पतला मॉनिटर है दोस्तों एंड काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। गाइस, बात कर लें वीडियो क्वालिटी की, कि अगर आप इस मॉनिटर पे मूवी वूवी देख रहे हो तो आपको कैसा व्यूइंग एंगल मिलेगा एंड कैसा आपको कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैंने कोई भी अभी कलर कॉन्ट्रास्ट को चेंज नहीं किया है, बढ़ाया घटाया नहीं, जो डिफ़ॉल्ट मिलता है वही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको सामने जाके दिखा दूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो मोबाइल का कैमरा है उतना कुछ खास नहीं किया, मैं कोई DSLR कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो कर सकते हैं कैसा आपको यहाँ पर कलर कॉन्ट्रास्ट एंड कैसा कलर रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चाहे आप इस कॉर्नर से देखो, मैं कॉर्नर से भी आपको दिखा देता हूँ, तो चाहे आप इस कॉर्नर से देखो, तो होते हैं ना कुछ मॉनिटर जो आप कॉर्नर से देखोगे तो यार थोड़ा नेगेटिव टाइप के दिखते हैं, तो इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है। मैं और थोड़ा यहाँ पर जूम करता हूँ तो हर डिटेलिंग आप एकदम ध्यान से देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये देखो। सो गाइस, इस रेंज में, इस बजट सेगमेंट पे ये मॉनिटर काफ़ी बेस्ट है। मैं यहाँ पर GT5 खेल रहा हूँ एंड यहाँ पर आप कलर कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं कि अपने को बहुत ही अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। इस बस आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये मॉनिटर का अनबॉक्सिंग आपको पसंद आया, एंड पसंद आया तो भाई अगर आपको परचेस करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अदर मॉनिटर में भी जा सकते हैं बट आपको इस मॉनिटर को परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। भाई बिट Instagram एंड Telegram को ज्वाइन करके जाना, तब तक के लिए बाय।